बोलो क्या नाम है आपका? कृष्णा चौहान। आप भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं? हाँ। क्या बोलते हैं लड़के लोग? अरे आते जाते रहेंगे तो गाली गंदी होगी, किसी माँ का ही है, किसी बहन का ही है, तो वो गंदी गाली देते हैं। अच्छा, कॉमन नहीं करते। अच्छा, और कुछ इसके अलावा? अच्छा, मतलब आते जाते छेड़ते फालतू बात करते यही सब करके चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने अपने मम्मी पापा को किसी को बताया ये सब? हाँ, बताया, झगड़ा भी हुआ था। अच्छा, झगड़ा भी हुआ ये बात को लेके? हाँ। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए क्या नाम है आपका? अच्छा, इसी बिल्डिंग में रहती है आपकी सरदा में? क्या है ये जो 10-12 लड़के हैं? 10-12 ये लड़के हैं ना, तो ये हमेशा 24 घंटा इधर बिल्डिंग के सामने रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जब बालकनी में निकलो फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, जब निकलो सीटी मारते हैं। अच्छा, बिल्डिंग से निकलते ही सीटी मारते हैं। अब वो 17 तारीख के दिन होलिका का दिन ये लोग क्या किए, नाम रख रख के गाली दे रहे थे सबको। अच्छा, तो इसके बारे में आपने एक भी बार कम्प्लेन नहीं किया? कम्प्लेन नहीं की थी, इनको बोली थी। अच्छा, हमारे मेंटेनेंस वाले हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा ही लोग क्यों कर रहे हैं? इन लोग का मतलब हमेशा का नाटक है। कितने टाइम से ये चल रहा है? अभी हम लोगों से 3 साल यहाँ रहते हुए होगा, 3 साल से देखते हैं। 3 साल से? हाँ, 3 साल से देखते हैं। इसमें जो जावेद नाम का लड़का है, इसमें उनके मम्मी ने और उसके भाई ने और कुछ यहाँ के लड़के ने जो इंटरव्यू दिया है कि इन्हें वल्लभ नगर ले जाके और बिल्डिंग के नीचे ऑफिस में बंद करके और उन्हें मारा गया है, उनके गर्दन पे चक्कू रख के थूक के चटाया गया है, तो क्या ये सही है? सही नहीं, ये गलत है। गलत है, गलत है। अच्छा, मतलब इस बात में सच्चाई नहीं है? सच्चाई नहीं है, बस लेके वो बोले हैं तो लेके गए। क्या नाम है भाई आपका? कुणाल। कुणाल भाई, ये हादसा कैसे हुआ जावेद के साथ? वो असलम का आदमी है। शुरू से बताओ। मतलब लोग रात को ना होलिका मतलब जलाते हैं, उसमें वो सब शायरी वायरी मारते हैं साथ। तो शायरी मार रहे थे, मतलब सब पे मारा जाता है बराबर, तो सब पे मारे। तो उसमें क्या पता उसको क्या बुरा लगा, वीडियो बना कर सुन दिया। तो उसमें पूरे फोन ऑन किया जावेद को, तो फिर जावेद बोला ठीक है मैं मतलब बात करता हूँ आके। तो इसने बोला सुबह मतलब कलर हम लोग बना रहे थे होली खेलने के लिए, तो ये बोलता है कि मतलब चलो कलर लेके आते हैं। ऐसा ये गया कलर लेने, तो आधे रास्ते बोलता है कि चलो बात करके आते, कोई बात नहीं होगी मैं बात कर लेता हूँ इससे बराबर। ये लेके गया यहाँ और फिर अंदर इनको जावेद लेके गए, पहले मारे जावेद को, फिर कहाँ लेके गए जावेद को? किस बहाने से लेके गए? कलर लेने जा रहे हैं। कलर लेने जा रहे हैं। लेके जाने वाला कौन था? अतुल। अतुल, अतुल जयसवाल। जयसवाल, फिर आगे अच्छा। सुनने में आता है जावेद जो है वो चाहे होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, मतलब कोई भी त्यौहार हो, सबसे आगे रहता है। आगे रहता है, सबसे जैसे राम का नाम सबसे पहला आता है, रैली निकलता है कभी भी। हाँ हाँ, सबसे आगे जावेद खड़ा रहता है। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से जावेद को ऐसी बुरी तरीके से मारा गया? एक मतलब बिल्डिंग में है वो कोई, हाँ, उसके बारे में बोल रहा था जावेद, मतलब शायरी मार रहा था। अच्छा अच्छा, उसने उसको मतलब बोला अच्छा अच्छा, और कुछ गलत भी नहीं बोला किसी को। अच्छा, मतलब आपस में हंसा लिसा करते उसे किए। अच्छा, गाया जाता है तो हम लोग सब अपने भी गाए थे, ऐसा नहीं कि हम लोग उस पे गाए, हम लोग अपने सब में गाए बराबर। दीपक थे भैया, वो उनके ऊपर गाए, सब में गाए हम लोग। अब उसको क्या हुआ पता नहीं, सुबह ऐसे गाड़ी बोलता है कि लेके जाएगा, फिर जावेद बोला ठीक है मैं चलता हूँ कलर, फिर वहाँ से बोला कि चलो उनके ऑफिस पे जाके अपने बात करके आ जाते हैं, तो वल्लभ नगर लेके गए। फिर इधर वो पंडित आया तो गाली वाली देने लगा उसको, तो अतुल भी वहीं पे थे। फिर वहाँ से हम लोग बहुत टेंशन ले रहे थे कि अभी तक जावेद 10 बजे से गया, अभी तक आया नहीं बराबर। हम लोग बार बार फोन कर रहे अतुल भाई को, तो अतुल भाई भी फोन नहीं उठा रहे। फिर आए तो अतुल भाई को हम लोग रोके, जावेद कहाँ है, आपके साथ गया? तो बोलता है मैं तो उसको छोड़ दिया वहाँ पे। तो हम लोग उनको बहुत बोले ना, बहुत बोले कि आप पता करो आप लेके गए ऐसा, तो बोलते हैं कि रुको मैं फोन करता हूँ। फोन करते रहे, उठाया नहीं पंडित को। उसके बाद धीरे धीरे करके पता चला, फिर पता चला कि वो छिरी पुल पे मिला हम लोग को किसी एक दोस्त को। अच्छा, तो छिरी पुल पे मिला ना, तो उसको पता नहीं बहुत पेड़ पकड़ के बैठा था वो जावेद। हाँ, रोते रोते बोलता है भाई मैं घर पे नहीं जाऊंगा, मेरे को थूक के चटाए हैं, मारे हैं मेरे को बिना फालतू, अतुल भाई लेके जाके। बोलिए बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना आशुतोष जयसवाल है। हाँ, उनकी मम्मी है जो हमेशा उनकी बहन और उनकी मम्मी
वो हमेशा आके यहाँ किन की मम्मी जावेद की मम्मी हाँ सुबह आई मेरे पापा को सुबह खूब गाली दे रही थी अच्छा और बोल रही है कि यहाँ मैं कब्र खोद दूंगी दुकान जला के रख दूंगी काट के रख दूंगी सर ऐसा कुछ बोल रही थी अच्छा दुकान में भी आग लगा देंगे ऐसा सब बोल रही थी और क्यों अभी फिर उतना बोल के गई फिर जब हम लोग दुकान खोल के बैठे थे फिर 4 बजे आई तो फिर उनके साथ उनकी बहन उनके जीजा भी थे और एक और प्रेग्नेंट लेडी थी वो आके इतनी गाली उनको दे थे बताओ गाली सुनने लायक वो अंकल को अच्छा इतनी गंदी क्योंकि हम लोग को बोलने में भी शर्म आ रही है बराबर हम लोगों ने तो उनको एक वर्ड भी नहीं गाली दिया होगा हम लोग भी हैं यहाँ खड़े हैं हम लोग ने कुछ बोला उन लोग को इतनी गंदी गाली दे के गए यहाँ पे तो मतलब क्यों कोई रीजन है कोई वजह है कोई दुश्मनी आपसी कुछ नहीं दुश्मनी नहीं है मेन मैटर क्या है ये छोड़ के आए अच्छा वही मसले को लेके ये बात बढ़ गया बात इतने पे ही बढ़ी है अच्छा इनको बोल रहे हॉस्पिटल चलने के लिए तो ये अकेले कैसे जाएंगे बराबर बरूबर जो इनके साथ है वो भी जाएंगे हाँ जाएंगे ना तो सही है तो इधर आके वो यहाँ पे चिल्लम चाली कर रही है अच्छा ठीक है और 4 बजे जब वो आई खूब गाली गलौज की पापा को सुनने में नहीं आया तो दुकान बंद करके चले गए ऊपर जब हम लोग यहाँ पे नीचे आए तो बोल रहे दुकान खुलनी नहीं चाहिए मेरा बेटा वहाँ पे दवाखाने में है और ये लोग दुकान खोल के बैठे अच्छा। हम लोग क्या उनके डर से दुकान बंद करके बैठेंगे क्या नहीं गलत है ये गलत है कि नहीं गलत है बराबर अब उनके बोलने से हम दुकान बंद करके बस ताला मार के घर में बैठ तो नहीं सकते नहीं ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद।